क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। प्यासी ज्वेलर्स शोरूम, सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता, टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स, सुजुकी शोरूम, किला इलाका, बालाकोट रोड, दमोह। कोई भी वाहन खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। कृषि बिल को लेकर आज भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मलैया ने कहा कि किसान सीधे साधे हैं, उन्हें आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसानों के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग, अलगाववादी ताकतें तथा कुछ स्वार्थी राजनीतिक लोग आंदोलन कर रहे हैं। वहीं उन्होंने किसानों में बिल को लेकर इन लोगों पर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना था कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बातचीत नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित में 3 कृषि बिल लेकर आई है, इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं है। वहीं MSP पर केंद्र सरकार लिखित आश्वासन दे रही है। मलैया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक और प्रदेश सरकार द्वारा 4,000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त सम्मान निधि दी जा रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही अभी तक 3,700 करोड़ रुपये सम्मान निधि द्वारा किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जाकर, जो किसानों का लगातार 19वें दिन आज यह आंदोलन आ गया है, इसके बारे में वस्तु स्थिति से अवगत कराएगा, तथ्यात्मक जानकारी देंगे, बताएंगे, जिससे आप सभी लोगों के माध्यम से ये आम जनता तक ये बात पहुंच सके। सर, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसान ही आंदोलन कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई कार्यकर्ता? देखिए, किसान आंदोलन कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा सोचना है, किसान मूल रूप से बहुत सीधा होता है और उसके बीच में भ्रम फैला दिया गया कि इससे आपका नुकसान होगा, और कुछ अलगाववादी ताकतें, कुछ टुकड़े टुकड़े वाले लोग, और फिर राजनीतिक स्वार्थों में लग के लोगों ने इसको सोचा कि ये मौका है कि मोदी सरकार को और मोदी जी को नीचा दिखाया जाए, इसको दिए शिकस्त दी जाए, जबकि ये विशुद्ध तौर से ये किसानों के हित के लिए ये तीनों कानून लाए गए। कुछ संशोधन की संभावना है? संशोधन के लिए हमेशा खुले हुए हैं। हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब तक चाहेंगे हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत से रास्ता निकल सकता। अब ये क्या जिद हुई कि आप तो पहले ये ख़त्म करो कानून। जहाँ जहाँ जो आपको बातें लगती हैं और जो कुछ उचित बातें हैं, उन्होंने कहा भी है, MSP के बारे में उन्होंने कहा, हम लोग लिख के देने के लिए तैयार हैं, राइटिंग में सरकार देने के लिए तैयार है, उसका उल्लेख करने के लिए तैयार है, और भी दूसरी चीज़ें हैं उन सब के लिए। जैसे ये बात है निजी पूंजी निवेश जो कृषि के क्षेत्र में हो रहा है, उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज़मीन के ऊपर ये लोग हथियार लें, या ये लोग कहीं हाइपोथिकेट कर दें, या हमें नुकसान हो जाए। तो उसमें साफ साफ है कि ज़मीन का मालिक तो किसान ही रहेगा। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि नहीं कोर्ट वगैरह, ये STM वगैरह के यहाँ मत रखो, वो तो आपकी सरकार के रहते, तो उन्होंने कहा कोर्ट का प्रोविज़न हम कर देते हैं सब तरीके से। परंतु ये सब करने के पीछे उद्देश्य ये है कि किसानों में तेज़ गति से काम करें। नरेंद्र मोदी बहुत तेज़ गति से काम करने वाले लोगों में से हैं। हमने 70 साल देखा, नागरिक संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ, उनने करके दिखा दिया। उन्होंने कहा 307 धारा ख़त्म करना, धारा ख़त्म कर दी, तेज़ी से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तलाक 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 ख़त्म करना, ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा था, हम लोग कब से बात कर रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, हो गई बात, भव्य मंदिर बन रहा है। तो ये बहुत तेज़ गति से काम करने वाले लोग हैं।
जैसे योगेंद्र यादव जी ने कहा कि किसानों ने ये फायदे की बातें तो मांगी नहीं थी, आपने क्यों दे दी? तो नहीं मांगी। जैसे ये भी बोल रहे हैं किसान सम्मान निधि, कब कहा था किसानों ने हमें सम्मान निधि दो? दे रहे हैं। 3,750 करोड़ की सम्मान निधि हमारे प्रदेश में दी गई है अब तक, और लगातार देते जाएंगे, किसानों के हित में काम करते जाएंगे। आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि हमारे सरकार के जो सकारात्मक रुख है इसके ऊपर ध्यान देकर देखें और लोगों तक हम लोगों की बात पहुंचाएं। अगर आप उन लोगों को लगता है कि हमने जो बातें कही हैं ये बातें ठीक हैं। मॉडर्न हब ब्रांडेड हॉजरी शॉप महिला पुरुष एवं बच्चों के लिए, जहां पर आपको मिलेंगे नाइट सूट, लोअर, टी शर्ट, अंडर गारमेंट्स, टॉवल, गाउन, सभी ब्रांड के उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें, कैलाश भंडार के बाजू से सिनेमा रोड दमोह। महिंद्रा गाड़ियों के पार्ट्स व सर्विस के लिए अधिकृत कमल मोटर्स, बड़ी देवी मंदिर रोड, ओवरब्रिज के पास दमोह, एक बार सेवा का अवसर दें। फोन 3099611109। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी व्याधियों की उत्कृष्ट दवाइयां कम मूल्य पर प्राप्त करें। रोटरी क्लब द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ATM के पास, सरकारी अस्पताल चौक, दमोह।